आज हम आ पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहां पर जन्म हुआ था गुजरात साहित्य में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कवि श्री नर्मद के घर पर। कवि नर्मद का जन्म सूरत के गोपीपुरा विस्तार में हुआ था जहां हम आज खड़े हैं, और ये नर्मद हाउस को सरस्वती मंदिर या सारिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कवि श्री नर्मद ने ही सन 1880 के दशक में सबसे पहले हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार रखा था। तो गोपीपुरा क्षेत्र में आया ये घर उस समय, मतलब कि सन 1880 के दशक में, मात्र 600 रुपए की कीमत में ली हुई जमीन के ऊपर कवि नर्मद द्वारा ही बनाया गया था। वे यहाँ लेखन और संशोधन भी करते थे, जिसकी वजह से ये घर को सरस्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु के पश्चात ये घर को उनके चाहकों ने नर्मद हाउस को लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जो कि सूरत महानगर पालिका ने इस घर को खरीद कर उसका नवीनीकरण किया गया है। तो आज हमने किया कवि नर्मद के घर का सफर। ऐसे ही सूरत के कई और हिस्टोरिकल प्लेसेस को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए फॉलो कीजिए केम छो सूरत।